नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। और ताजा खबरों के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा टाइम्स तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो टिकट फाइनल होते ही फतेहपुर सदर विधानसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के ने दिया है बड़ा बयान। सरकार बनते ही फतेहपुर की जनता को सौगात दी जाएगी और सबसे पहले सीवर लाइन देने की बात कही। वहीं आज हंगामा टाइम्स फतेहपुर की टीम से रिजवानुद्दीन जिला ब्यूरो ने सीधी बात की कि चंद्र प्रकाश लोधी समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा प्रत्याशी हैं, वह क्या विकास कार्य करेंगे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। जी, मैंने बताया ना आपको, शहर की सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की समस्या। और हमें जैसे ही हमें मौका मिलेगा और हमारी सम्मानित जनता ने अगर हमें अवसर दिया और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री हुए, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, तो पहले नंबर पर प्राथमिकता के आधार पर हम सीवर लाइन का काम विशेष प्राथमिकताओं में रहेगी। और जो भी हमारी सरकार के द्वारा कार्य किए गए थे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कार्य किए गए थे, जो इस भाजपा की सरकार ने रोक दिए हैं, उन वो विकास के कार्यों को पूरी तरह से उसी तरह से धारा के रूप में धारा बहेगी और विकास की गंगा बहेगी और प्रदेश फिर से उसी खुशहाली की रास्ते पर आ जाएगा। और हमारे किसान, हमारे समाज, सभी मजदूर, नौजवान साथी, हमारे जितने भी लोग हैं, हर वर्ग खुशहाल और संपन्न होगा, ऐसी में उम्मीद है। और एक हम अपील जरूर करना चाहेंगे अपने सम्मानित मतदाताओं से कि आने वाली 23 फरवरी को फतेहपुर जनपद में मतदान होने जा रहा है चौथे चरण में, और हम ये चाहेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान में पूरी तरह का योगदान करें और अपनी राय को व्यक्त करें कि वो किस तरह से बदलाव चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितवा करके भेजें, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनावें और अपने प्रदेश का विकास कराएं। यही हम लोगों की प्राथमिकता होगी।